हेलो गाइज, कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मौज में होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IL T20 के मैच नंबर क्वालिफायर 2 के बारे में, जो कि खेला जाना है दुबई कैपिटल्स वर्सेस गल्फ जायंट्स के बीच में। तो वेन्यू रहेगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम। तो सबसे पहले वेन्यू पे एक नजर डालेंगे, क्या रहने वाली है आज की पिच रिपोर्ट के बारे में ध्यान देंगे। तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम की पिच नॉर्मली बैटिंग फ्रेंडली रहती है, शॉर्ट बाउंड्री होती है यहाँ पे, तो बैट्समैन को शॉर्ट बड़े शॉर्ट खेलने में थोड़ा ज्यादा आसानी होती है। और जैसे जैसे गेम आगे प्रोसेस होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे स्पिनर्स का काम बढ़ जाता है। स्पिनर्स को टर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है, विकेट स्लो होने लगता है जैसे जैसे गेम आगे प्रोसेस होता है। ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस सरफेस रहता है बैट्समैन और बॉलर्स को, दोनों को अच्छा फेवर करता है। बस आप दोनों को थोड़ा सा संभल के करना पड़ता है। बॉलर है तो बॉलर को सही जगह पे गेंदबाजी करनी होती है, लाइन लेंथ संभाल के रखना पड़ता है, वहीं पे बैट्समैन को अच्छे शॉट का चयन करना होता है। तो ये सब देखते हुए आज का जो गेम है एवरेज स्कोर ही बनेगा 170 के आसपास ही रहेगा इस मैच में भी। तो ये तो ही की बात। अब बात करेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो दोनों ही टीमों के बीच में चार मैचेस खेले गए हैं, तो चार में से चार मैच गल्फ जायंट्स ने जीते हैं दोनों टीमों के बीच में। दुबई कैपिटल्स एक भी मैच नहीं जीते। तो ये तो ये हेड टू हेड की बात दोनों टीमों की। बात करेंगे दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दुबई कैपिटल्स की। दुबई कैपिटल्स ने अपने पिछले 5 मैच में से 3 मैच जीते हैं और 2 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है, और लगातार बैक टू बैक 3 मैच जीत के दुबई क्वालिफायर 2 खेल रही है यहाँ पे। दूसरी तरफ गल्फ की बात करें तो फॉर्म काफी अच्छा था, लेकिन पिछले मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था। ली एमआई के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था, जिससे कि उसको आज क्वालिफायर 2 खेलना पड़ रहा है। ये तो है दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म के बारे में। अब बात करेंगे दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो आज की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रह सकती है दोनों टीमों की, तो सबसे पहले बात करेंगे दुबई कैपिटल्स की। ओपनिंग करने के लिए आते हैं टॉम बेंटन, उनका साथ देते हैं मैक्स होल्डन, फिर लियोस डुप्लॉय हैं, टॉम एबल, सैम बिलिंग्स कैप्टन है, डेविड वार्नर में भी आज वापसी कर सकते हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज से सीरीज चल रही थी इनकी T20 की, तो उसमें चयन हुआ था डेविड वार्नर का, तो मे बी डेविड वार्नर आज वापस आ सकते हैं। और ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं सिकंदर रजा। की प्लेयर्स में इनके ऊपर फोकस करेंगे, काफी शानदार ऑलराउंडर है सिकंदर रजा के बाद में है दसुन सना का, और शायद दसुन सना का आज ना खेले, उनकी जगह रोमन पावल को जगह मिल सकती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पे थे, वापसी कर सकते हैं आज। उसके बाद है आकिफ रजा, ओली स्टोन, स्कॉट कुगलिन, हैदर अली लेग ब्रेक बॉलर हैं, और जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं वो है बेंडंग इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं दुबई कैपिटल्स के लिए। दूसरी तरफ बात करेंगे गल्फ जायंट्स की पॉसिबल 11 के बारे में। तो जेम्स फिंस हैं कैप्टन इनके, उनका साथ देने आते हैं जॉर्डन कॉक्स, सिमरन एटमायर है, जिमी स्मिथ है, उस्मान खान है, लियाम डॉसन, जिमी एवर्टन, क्रिस जॉर्डन, जुहैब जुबैर, डेनियल वॉरल, ब्लेसिंग मुजरवानी, और जो इनके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं गल्फ जायंट्स के लिए वो आते हैं क्रिसलिन इनके इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आते हैं, 12वें खिलाड़ी रहते हैं। तो ये तो ये दोनों टीमों की पॉसिबल 11 की बात। अब बात करेंगे दोनों टीमों के की प्लेयर्स। सबसे पहले नजर डालेंगे दुबई कैपिटल्स के की प्लेयर्स की। ऐसा सिकंदर रजा को तो मिस ही मत करना अगर आप कोई भी लीग खेल रहे हैं, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, कोई भी लीग खेल रहे हैं। शानदार फॉर्म में है बंदा, 303 रन बनाए हैं 10 इनिंग में, हाईएस्ट स्कोरर है दुबई कैपिटल के लिए, और वहीं पे 11 विकेट भी लिए हैं अपनी टीम के लिए 11 इनिंग में, तो मस्ट पिक रहेंगे सिकंदर रजा। सैम बिलिंग्स इनके जो कैप्टन है डेविड वार्नर के बाद में जो कैप्टन बनाए गए हैं सैम बिलिंग्स, इन्होंने भी 11 इनिंग में 280 रन किए हैं। बॉलर्स की बात करें तो स्कॉट कुगलिन है तेज गेंदबाज है, 6 इनिंग में 12 विकेट लिए हैं इन्होंने। ओली स्टोन है 4 इनिंग में 8 विकेट, बाकी सिकंदर रजा मस्ट पिक है ही आपके। अब बात करेंगे गल्फ जायंट्स की प्लेयर्स के। तो जेम्स विंस 11 इनिंग 298, पिछले मैच में 0 पे आउट हुए थे, उनका साथ देते हैं सिमरन हेटमेयर, काफी लो डाउन पे आते हैं, फिनिशर की भूमिका में रहते हैं, 220 रन बनाए हैं 11 इनिंग में, अच्छे आंकड़े हैं इनके भी, फिनिश अच्छा देते हैं। जॉर्डन कॉक्स हैं, ओपनिंग करते हैं जेम्स विंस के साथ, तो इनके 213 रन है। बॉलर्स की बात करें तो जुहैब जुबैर हैं, स्पिन बॉलर हैं, लेग ब्रेक बॉलर हैं, 11 विकेट लिए हैं 8 इनिंग में। क्रिस जॉर्डन 11 विकेट 10 इनिंग्स में, जिमी ओवर्टन है 10 विकेट 9 इनिंग में। तो ये तो हुई अपने की प्लेयर्स आज के मैच के। तो अब बात करेंगे आज की जो अपनी प्रेडिक्शन रहने वाली है, अपनी जो टीम रहेगी आज का मैच कौन जीत सकता है। ये जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, आपके लिए यूजफुल लगते हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की जो अपनी प्रेडिक्शन है, आज की जो अपनी टीम रहने वाली है, वो रहेगी दुबई कैपिटल्स। दुबई कैपिटल्स ये मैच जीतेगी। तो आपको क्या लगता है एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।